चलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, एट एक्स बराबर पाँच, यानी एक्स बराबर पाँच पर, क्योंकि इसके पिछले क्लास में कट गया था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसी को तो हम लोग दूर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए, देखिए एक्स बराबर पाँच पर समतल चेक करना है, एक्स बराबर आपको जीरो ले लिए इस पर तो इक्वल आ गया, एक्स बराबर माइनस तीन ले लिए इस पर इक्वल आ गया यहाँ पे। अब एक्स बराबर पाँच पर हम चेक कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, वही करना है जी, क्या तो इधर ले लीजिए एफ एक्स हो गया एफ एक्स, फिर बराबर में लिमिट एक्स टेंस टू क्या फाइव, और इधर हो जाएगा आपको एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कितना है फाइव एक्स माइनस थ्री, और लिमिट एक्स टेंस टू फाइव। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है फाइव एक्स माइनस थ्री। अब इसके बाद ध्यान देना है कि पाँच गुने एक्स के स्थान पर कितना पाँच माइनस तीन, और लिमिट तो रहेगा एक्स टेंस टू फाइव, पाँच गुने एक्स के स्थान पर कितना पाँच माइनस तीन। तो अब ये हो जाएगा पच्चीस माइनस तीन, और ये हो जाएगा पच्चीस माइनस तीन, पच्चीस में से तीन गया तो बाईस, पच्चीस में से तीन गया तो बाईस। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक्स बराबर पाँच पर भी क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि इक्वल आ गया, बाईस बाईस आ गया, इक्वल आ गया। अब हम लोग कहेंगे कि एफ एक्स जो है एक्स बराबर जीरो पर भी, एक्स बराबर माइनस तीन पर भी, और एक्स बराबर पाँच पर भी क्या है तो संतत है, क्योंकि देखिए तीनों बार जो है इक्वल आ गया है। अगर इसमें से कोई इक्वल नहीं आता, कोई एक भी इक्वल नहीं आता, कोई एक भी बराबर नहीं आता, तो हम लोग कहते हैं कि ये संतत नहीं है। ये लिखते किसी एक पर हम कह रहे हैं तो दो पर संतत होता, लेकिन एक पर संतत नहीं होता, उसी बात को जो है लिख देते। तो अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, देखिए अतः एफ एक्स कितना फाइव एक्स माइनस थ्री, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस तीन तथा एक्स बराबर पाँच पर क्या है संतत है, संतत है ना जी, और इसी को तो सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिद्ध हो गया, या इंग्लिश में प्रूव्ड। तो इस तरीके से जो हम लोग पहला क्वेश्चन को कवर किए हैं, ठीक है, ये जो वीडियो जो है छोटा है, और यदि आपको समझ में आया होगा तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो था ये मतलब कट गया था, तो उसी को जो हम लोग वहाँ से हम फिर बना दिए हैं, तो ये बैक ही वीडियो का कुछ पार्ट है, समझ गए ना, नहीं तो इतना छोटा तीन चार मिनट का वीडियो फिर अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना, तो ये कटा हुआ क्या है उसका पहला वीडियो का ही ये पार्ट्स है, ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर टू कर दिए हैं। चलिए